दरगाह बाबा बुढ़ा शाह जी दी जिन्हां ने गुरु नानक देव जी नूं दुध दा बाटा छकाया सी। बनवाई अपने हाथी माला भेट करके अरदास की मैदान बख्शिया साईं जी जिहड़ियां मेरियां सरकार कीरतपुर साहिब की यात्रा से आउंदियां उन्हां दी यात्रा दी तां सबल होणी जां तेरे दरबार ते आ के बाबा बुढ़ा शाह जी तो आप चले हैं कीरतपुर साहब ये बाजार है इत्थे बाबे बुढ़ा शाह जी का गुरुद्वारे बाबे बुढ़ा शाह जिगर साहब केड़ा साहब हैगा है कीरतपुर साहब पहुंच गए हैं ये बाबे बुढ़े शाह तो किलोमीटर दूर हैगा है। गुरुद्वारा साहब तारपुरी साहब कीरतपुर चले गुरुद्वारे आनंदपुर साहब इतों जावे पहला इनान शनून करके फिर गुरुद्वारे मत्था टेकन जावे कि जी आनंदपुर साहब गुरुद्वारा केसगढ़ साहब गुरुद्वारा आनंदपुर साहब से स्थित है ये बाहरों उपर जाते हुए सारी स्लाइड इतों बाहर जाते हुए दी गुरुद्वारा साहब की तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब बहुत सुंदर गुरुद्वारा बहुत ऊंचाई से आ बहुत संगत आई हुई है इतने संगत हुम हुमा के पहुँच रही है आनंदपुर साहब बहुत उत्साह है संगत दे विच सनसैट ही बहुत सुंदर हो रहा है बहुत सुंदर सनसैट हो रहा देखो व्यू अल्टीमेट व्यू अल्टीमेट व्यू आ देखो शलीन भी फुल इंजॉय दे विच है जा रहे हैं वापिस तो आनंदपुर साहब तो वापस चले हम घर नो तो बाकी सारी शॉपिंग थोड़ी बहुत करा सारी मार्केट है इतने जी गुरुद्वारा किला साहब गुरु गोबिंद सिंह जी का किला थी है अंदर तुम दर्शन कराने हम इतने किला गुरु गोबिंद सिंह का युद्ध होया पहली वारी यह किला जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी अपना किला छड के सरसा नदी वाल गए थे जिथे परिवार विछड़िया सी और किला साहब तो उपरला व्यू सारा इतों पहाड़ियाँ चालू हो जाए अगों बहुत ऊंचाई से किला बनया शहर तो किला साहब का गुरुद्वारा साहब यह आज इमारत किला साहब जी की यह किला से गुरु गोबिंद सिंह जी का जिथे जंग हुई सी ते फिर वो जंग गुरु जी चमकौर की गली वाल चल गए जिथे फिर 40 सिंघां का युद्ध होया जिथे वड्डे साहबजादे शहीद हुए सी अंदरों किला साहब की इमारत सारी सारी पुरातन ही है निक्की शाही हेटरी बनी हुई सारी इमारत
दर्शन करो केसगढ़ साहब आनंदपुर के, तो बाकी घर जाके गल करते हैं, वीडियो एंड घर जाके बाकी करा। देखो किन्ने बजे पहुँचते हैं, बाकी घर अभी 11-12 बज ही जाने जी। अमृतसर वापस आ गए हैं, गोल्डन गेट पर पहुँच गए हैं, तो टाइम 11:55 हो गया, 12 बज गए। ताका दर्द हमारा, ताका दर्द।